नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। शो का नाम है फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, शो के अंदर हम ऐसे मौजू उठाते हैं जिस पर इस्लाम का एक नुक्ते नजर अलग होता है और दुनिया की राय अलग होती है। इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज को, रायों को हम आमने सामने लाते हैं, फेस टू फेस लाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जय साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद एक और जिंदगी। इस्लाम कहता है कि यही जिंदगी दायमी और इमोर्टल जिंदगी है, लाइफ है, लेकिन दुनियावी नुक्ते नजर इसको कहता है कि भाई मरने के बाद जी उठना ये अकल में आने वाली बात नहीं है। जैसा इसको मानने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या अकली दलील की जरूरत है? अकल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक आप जायज समझते हैं इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अकल का इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं इस्तेमाल करो? अफला ताकिलून, अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसकी अकली दलील कि किस तरह आप इस बात को अकली दलील से समझाएंगे। पहले मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए जी, कि ये पूरी दुनिया जो है हमारे आस पास, हमारा खुद का जिस्म, इसे क्या हमने बनाया है या इसका कोई बनाने वाला है? जिसका कोई बनाने वाला है, ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने अभी तक तो साइंस नहीं बना पाई है कोई इंसान, जब हमने अपने आप को नहीं बनाया, ना हमने इस आसपास की दुनिया को बनाया, इसका बनाने वाला है। अब वो बनाने वाला कैसा है, क्या वो परफेक्ट है? हमें मुआयना करके, देख करके, एनालाइज करके कहना है, जो क्रिएशन को देख करके क्रिएटर के बारे में सोचना है कि क्या वो परफेक्ट है या उसमें कमियां हैं। कुछ परफेक्ट है, वरना ये इतना बेहतरीन निज़ाम शायद नहीं चल रहा होता। बिल्कुल सही बात, वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। अब मेरे अगले सवाल का जवाब बताइए कि जब वो परफेक्ट है, और यकीनन जब हम पूरे यूनिवर्स का जायज़ा लेते हैं, हमारे खुद के जिस्म का जायज़ा लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है कि ऊपर वाले में कोई कमी नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, वो तमाम कमियों से पाक है, पूरी तरह से परफेक्ट है। अब जब वो परफेक्ट है, तो ये बताइए कि क्या वो किसी पर नाइंसाफ़ी कर सकता है, जुल्म कर सकता है, इनजस्टिस कर सकता है या नहीं? जब ये तमाम चीज़ें इम्परफेक्शन है, कमियाँ हैं, जिनमें कमियाँ होती है वो नाइंसाफ़ी करते हैं, वो इनजस्टिस करते हैं। जो परफेक्ट है, तो उसके परफेक्शन का डिमांड भी ये है कि वो किसी पर भी जुल्म ना करें। अब यहाँ बात यह है कि हम सब देख सकते हैं कि जब हम आसपास तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, तो क्लियरली दिखता है तो बहुत सारी नाइंसाफियाँ हो रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई शख्स जुल्म कर रहा है और हंसते हुए जीता है, हंसते हुए इंतकाल भी होता है। कितने सारे मजलूम हैं जो परेशानियों में मर जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि उन्हें इंसाफ तो नहीं मिल पाता। ये एक रियलिटी है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम सब जानते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें, जैसे एक मिसाल ले लीजिए, कितने सारे ऐसे क्राइम करने वाले लोग हैं जिनमें कोई आई विटनेस नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आई विटनेस होता भी है लेकिन कोर्ट में साबित नहीं हो पाती है बात। हम देखते हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़े ही नहीं जाते। कितनी बार तो ऐसा होता है कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कानून में। हम देखते हैं कि कोई क्राइम को क्राइम ही नहीं समझा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जो कहीं भाड़े पर रह रहा है, रेंट पर, और एक वक्त के बाद वो कहता है कि मैं भाड़े पर हूँ लेकिन अब मैं मालिक बन गया, और कुछ कानून है जो उसे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो किस एंगल से सही हो सकता है? वो कैसे ओनर हो सकता है? वो तो जब रेंट पर है वो ओनर नहीं है, तो कैसे ओनर बन गया? तो हम देखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्राइम है लेकिन लीगली वो क्राइम नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीजें डिफरेंट स्टेट्स में हो सकती है, बहुत सारी ऐसी मिसालें। हम ये देखते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वो गलत काम कर रहे हैं, फिर भी क्यों ये चीज करना गलत है? ये सारे सवालों का जवाब कहाँ मिलेगा? इंसाफ कहाँ है? ये कुछ केसेस की बात है ना, कुछ लोगों को इंसाफ मिलता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें अदालत या फिर उस मुल्क की सरकार या फिर उस मुल्क की अदलिया जो है उसको सजा देती है। जी, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए किसी ने 1000 मर्डर किए, अब क्या सजा दे सकते हैं आप? उसको मौत की सजा दी जाएगी। वो तो एक मर्डर की सजा हुई, बाकी 999 का क्या? आप गौर करिए कि मौत की सजा दे भी देंगे, लेकिन जिसके शौहर का इंतकाल हुआ, क्या उसके शौहर वापस आ जाएंगे? जिसके बच्चे के अब्बा का इंतकाल हुआ, क्या उसके बच्चे के वालिद साहब वापस आ गए? तो ये सजा जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रिकॉम्पेंसेशन नहीं हुआ, वो सजा देने से उसके शौहर नहीं वापस आ गए। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेचुरली अगर उसे सजा भी मिल जाए तो वो सजा
काफी नहीं है, मतलब जो क्राइम उसने जी किया है। अब ये सारे फैक्टर्स को पुट टुगेदर करिए और एक मेन सवाल के जवाब पर हम आते हैं कि ये सारे सवालों के जवाब में इंसाफ कहाँ है। ये सारी चीजों का जवाब ये तो श्योर है कि ऊपर वाला परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करता। और जब वो नाइंसाफी नहीं करता तो फिर इंसाफ कहाँ है? जिसने हमें पहली बार बनाया, क्या वो हमें फिर से नहीं बना सकता? क्या वो इंसाफ नहीं करेगा? जो इतने परफेक्ट सिस्टम का मालिक है, जो इसका बनाने वाला है, क्या वो इंसानों के बीच में ये तमाम चीजों में इंसाफ नहीं करेगा? हम देखते हैं कि ये सारे जुल्म करने वाले जो हैं, इनके साथ इंसाफ कब होगा, कहाँ होगा? ये दुनिया में कुछ सजा तो आ सकती है, लेकिन पूरी मुकम्मल सजा, फुल जस्टिस, वो कहाँ है? देखिए जैसा, इन जुल्म ढाने वालों और बुराइयां फैलाने वालों के अलावा अच्छे लोग भी दुनिया में, जो बहुत अच्छाई का काम करते हैं, बहुत नेक काम करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अच्छे कामों पे, वो लोग भी मौजूद हैं इस दुनिया में। अच्छा काम करने वालों के साथ भी तो नाइंसाफियां होती है। कैसे? कितने सारे अच्छा काम करने वाले हैं जिन पर लोग हंसते हैं, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जिन्हें टॉर्चर किया जाता है, जिनके साथ लोग दुश्मनियां ले लेते हैं, जिनका लोग नुकसान करते रहते हैं। कम से कम ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। कितनी सारी अच्छाइयां हैं जो अनसीन होती है, कौन देखता है उन्हें, उसका बदला कहाँ है? उसी तरह हम देखते हैं कि कितने सारे अच्छा काम करने वाले हैं जिन्हें कोई उसका एक्नॉलेजमेंट, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल पाता। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत अच्छा करके देखा मैंने, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अच्छा करके कोई फायदा नहीं हुआ। ये फायदा नहीं हुआ कब बोलता है आदमी? जब वो देखता है कि मैं तो लोगों के साथ अच्छा करता हूँ और वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। और लोगों के आम आदमी की मैंने ये जायजा लिया है कि अगर एक आम रस्ते चलते आदमी को पकड़ के कहो कि भाई अपनी कहानी बताओ, वो अपनी जो कहानी सुनाएगा, लाइफ स्टोरी, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर आ जाता है कि हाँ मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ और लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। अब इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज यही है कि जब हम आखिरत, लाइफ आफ्टर डेथ के लिए करेंगे तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इंसान तो है ही ना शुक्र। इंसान तो ऊपर वाले के करोड़ों उपकारों को पाने के बाद, एहसानों को पाने के बाद कहते हैं क्या मिला। तो हम उनसे उम्मीद अगर लगाएंगे और ये दुनिया की जिंदगी से उम्मीद लगाएंगे तो यहाँ फिर मायूस हो जाता है, फिर आदमी अच्छाई के रास्ते को छोड़ देता है। तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि इंसाफ कहाँ है, अच्छों को अच्छाई का बदला कहाँ मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा कहाँ मिलेगी। अगला पॉइंट, ये तो आपका पहला पॉइंट था जी, इंसाफ नहीं है। जो पहला पॉइंट था इंसाफ कहाँ है, वहां हमने एक अलग एस्पेक्ट से देखे। अब हम फिर से वही सवाल उठा रहे हैं, इंसाफ कहाँ है, किस एतबार से? हम देख रहे हैं कि कोई एक आदमी है जो करोड़पति है, करोड़ों है उसके पास, बहुत पैसा है, और कोई एक आदमी है जो गरीब है, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है। ये फिर वही बात आ जाती है कि ये तो अल्लाह ने उनको नवाजा है। सवाल ये है कि दोनों का रब कौन है? वो गरीब जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसको भूखा सोना पड़ता है, वो करोड़पति, दोनों का रब कौन है? दोनों का रब अल्लाह है। कोई है जो सेहतमंद है, कोई है जो अपाहिज है, कोई है जो मजबूत है, कोई है जो कमजोर है, कोई है जो ताकत और इन्फ्लुएंस वाला है, कोई है जो मजलूम है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। हम ये देखते हैं कि सबका रब अल्लाह है, लेकिन ये सब में बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? हम देखते हैं कितने सारे गरीब लोग हैं जो गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं, उसी में उनका इंतकाल हो जाता है, और कोई करोड़पति है, ये सबका बैलेंस कहाँ होने वाला है? तो जवाब तो यही है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, मत दुनिया फिल आखिरा, ये दुनिया क्या है आखिरत के सामने, सिवाय ये कि तुम में से कोई उंगली समंदर में डुबाए क्या लेकर आएगी। जितना उंगली लेकर आएगी ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी है, और जो समंदर में बच गया वो आखिरत की जिंदगी है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, इसमें कोई करोड़पति है और कोई गरीब है, लेकिन ये मैटर नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वो समंदर, कि कोई अगर उंगली डुबा करके बच्चा आ गया, बोले मैंने उंगली डुबा लिया, हम कहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असल तो समंदर है और वो समंदर आखिरत है। तो हम ये देखते हैं कि लोग दुनिया की जिंदगी की तरफ इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आखिरत की तरफ नहीं इंपॉर्टेंस देते। और सही बात क्या है कि ये दुनिया सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक इम्तिहान है जी। इस एग्जाम के बारे में और बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक वक्फे का। नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, चल रहा है फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ। जैसा हम बात कर रहे थे इम्तिहान की, जैसा आपने कहा कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है जी। इम्तिहान इस तरह से कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह आल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जान को मौत का जायका चखना ही है। वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला सिर्फ कयामत के दिन मिलेगा।
فمن زحزح عن النار, پھر وہ جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, کامیاب ہے وہ. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. اس آیت میں جو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا, تو لوگوں کی جو یہ سوچ ہے نا کہ یہاں کرو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو یہی کا یہی ملے گا, یہ حقیقت نہیں ہے. کچھ حصہ مل سکتا ہے لیکن پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ہے. اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا, بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گی. یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں ایک دھوکا ہے. کیسے دھوکا؟ اس طرح سے مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک انسان جیسے نیک نیک کام کرے آ رہا ہے ویسے اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے, جیسے اور نیک کام کر رہا ہے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے, اس کی طاقت صحت اچھی ہوتی جا رہی ہے, اس کا نام اور عزت بڑھتی جا رہی ہے, تو کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں, ایسے کئی سارے کرپٹ لوگ ہیں جن کے سوئس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ایسے سنسیئر نیک لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, اسی طرح اچھے لوگ بھی ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں, اور غلط لوگ بھی ہیں جن پر پریشانیاں آتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ سب مکسڈ اپ معاملہ ہے, اسی وجہ سے یہ ایک دھوکہ ہے. کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اس طرح ایسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ سعد میں, سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28, ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے کیا میں انہیں زمین پر فساد پھیلانے والوں کی طرح برابر چھوڑ دوں گا؟ ام نجل المتقین کالفجار, کیا پرہیزگار جو نیک تقوی والے لوگ ہیں انہیں اور فاجر غلط کام کرنے والوں کو کیا میں تمہیں لگتا ہے برابر چھوڑ دوں گا؟ یہ دنیا میں تو سب مکسڈ اپ معاملہ چل رہا ہے, تو یہ مکسڈ اپ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی فائنل ہے. یہ ایک ایگزام ہے, امتحان ہے, اور جس نے ہمیں پہلی بار بنایا وہ یقیناً ہمیں پھر سے بنا کر ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, ہوگا, کیونکہ وہ پرفیکٹ ہے. جو ہمارا ڈسکشن سٹارٹ ہوا تھا اس بات سے کہ وہ کیسا ہے, وہ جب پرفیکٹ ہے تو یہ ساری چیزوں میں پرفیکشن ہوگا, پرفیکٹ انصاف بھی ہونے والا ہے. لیکن وہ پرفیکٹ انصاف اس دنیا میں نہیں ہے جو ہمیں نہیں دکھتا. اب یہ غور کرنے والی بات ہے دونوں اسپیکٹس کہ نمبر ون جو ہمارے کام ہے, اچھے کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ اور برے کام کرنے والوں کی سزا, اور اسی طرح جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی انسان ابھی اپاہج ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر, دو پیاری چیزیں یعنی کہ اس کی آنکھیں, اس کی دو آنکھوں کو لے کر اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا اور وہ اس بات پر صبر کرتا ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے. تو دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدائشی طور پر ہو یا بعد میں چلی گئی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا دوسرے اعضاء کے معاملے میں بھی ایسا ہی معاملہ جی, دوسری چیزوں کے اندر بھی کئی ساری ایسی چیزیں ہیں. اب لوگ آ کر کہیں گے کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ, تم اس طرح سے اپاہج ہو گئے, لیکن اسے کیا پتا کہ وہ چیز پر صبر کرنے کی وجہ سے کل اسے آخرت میں بہت بڑے بڑے درجے ملنے والے ہیں. اور کسی پیسے والے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ارے کتنی اچھی بات ہے, ان کے پاس تو کروڑ پتی ہیں, گاڑی ہے وغیرہ, لیکن کیا انہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ گاڑی بنگلے وغیرہ کی وجہ سے اس انسان میں غرور اور گھمنڈ آ گیا, اور وہ غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کل وہ انسان آخرت میں ایک بہت بڑی سزا پانے والا ہے. وہی آدمی اگر اتنا امیر نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے اسے کوئی صحیح بات سمجھ میں آتی, ہو سکتا ہے کہ وہ اور انکساری اور ہیوملٹی اس کے اندر ہوتی, جو ایک اچھا اخلاق ہے جس کا بدلہ ملے گا. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی بولتے ہیں, چاہے دنیا کے لوگ کچھ بھی مانتے ہیں, سچائی یہ ہے کہ اوپر والا جس نے اس دنیا کو سرشٹی کو بنایا ہے وہ ایسے ناانصافی ہونے نہیں دے گا, پورا پورا انصاف ہونے ہی والا ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جی سر صاحب, جسٹس کی بات آپ نے کی کہ کریٹر جس نے سب کچھ بنایا ہے, جو پرفیکٹ ہے اور سب سے اتنی محبت کرتا ہے اپنے سارے بندوں سے, وہ انجسٹس نہیں ہونے دے گا. بات میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا انجام ہوگا جب لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھیں گے, تو کیا کیا چیزیں اس کے ریئیکشنز میں سوسائٹی کے اندر پیدا ہوں گی؟ قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ ماعون, سورہ نمبر 107 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو قیامت کے دن کو مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتا ہے, نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے جو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, پھر یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو حقال کر کے بھگا دے گا. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو کھلانا انکریج نہیں کرے گا. مطلب ایسے لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں, جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں, جو ایگزام کے ریزلٹس کا انکار کرتے ہیں,
जो ये बात का इनकार करते हैं कि मरने के बाद हमें परिणाम रिजल्ट देखना पड़ेगा, अच्छों को अच्छा का बदला मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा मिलेगी, ऐसे लोगों का रिजल्ट ये होता है कुरान में अल्लाह ने बताया कि वो यतीम को हकाल करके भगा देंगे। क्यों? वो मिस्कीन को खिलाना इनकरेज नहीं करेंगे, अरे इनको खिलाने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब सामने कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, यतीम क्या दे देगा, वो मिस्कीन क्या दे सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जहां बेनिफिट है वहां अच्छे रहेंगे वो, जहां पे उनका बॉस होगा या जहां पे कोई फायदा होगा वहां पे अच्छे रहेंगे, लेकिन जहां फायदा नहीं है वहां इसी तरह का बिहेवियर होगा। और आप देखेंगे कि ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी कंट्रीज जहां पर इस तरह की सोच जब आई कि मरने के बाद जिंदगी नहीं है, वहां इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बदतरीन और सबसे घिनौने और सबसे डिजास्ट्रस रिजल्ट्स पैदा हुए। इसकी कई सारी मिसालें हैं। आप मिसाल ले लीजिए सारी कम्युनिज्म वाली कंट्रीज, जब कम्युनिज्म आखिरत का इनकार करता है, लाइफ आफ्टर डेथ का इनकार करता है, उन्होंने इंसानों को कैसे ट्रीट किया। आप देख सकते हैं कि सोवियत रशिया जब खत्म हुआ और जो आर्काइव्स, जो गवर्नमेंट आर्काइव रिकॉर्ड जब निकले, तो उसमें पता चला कि किस तरह से लाखों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। यहां तक कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक के लोगों को सोवियत रशिया में कई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं बल्कि सिर्फ सिंपल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि इंसानों की कीमत नहीं रही, ये एक इंसान इससे क्या फायदा है मेरा। उसी तरह देखिए जी कमोडिटी की तरह, उसी तरह आप चाइना के अंदर देखिए, एक बार ऐसा हुआ जब कम्युनिस्ट चाइना में एक सर्टन सिचुएशन के अंदर कुछ सर्टन लैंड रिफॉर्म लाना था। अब देखा गया कि 50 लाख लोग ज्यादा है, अगर ये 50 लाख लोग मर जाए तो फिर ये लैंड रिफॉर्म लाना बहुत आसान हो जाएगा। उस सिचुएशन में उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहां तक के मुनासिब समझा कि कई लोगों को जस्ट बिकॉज ये लैंड रिफॉर्म लाने के लिए इतनी जाने अगर चली जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया। यहां तक कि कम्युनिस्ट चाइना के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स है कि 6 से 6.5 करोड़ लोगों का इंतकाल हुआ, लोगों को मारा गया, टॉर्चर किया गया कई चीजों में कम्युनिस्ट रिजीम्स में। कंबोडिया की मिसाल ले लीजिए, खमीर रॉक के रूल के अंदर जो कम्युनिज्म को बिलीव करता है, देखिए मिसालें हैं, 70 लाख की पॉपुलेशन में से 14 से 22 लाख लोगों को तो ऐसे ही मारा गया। वहां जो मास ग्रेव्स मिली थी उसमें तकरीबन 11 लाख लोगों के रिमेन्स मिले। तो ये मिसालें हैं कि जब कोई लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं बिलीव करेगा, चाहे इंडिविजुअली, चाहे कलेक्टिवली, चाहे ग्रुप के तौर पर, चाहे कंट्री के तौर पर, उसके बहुत डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। और एक इंसान जिसे ये नहीं पता कि वो क्यों जी रहा है, उसके पास जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है कि मेरी जिंदगी में मकसद क्या है, व्हाई एम आई लिविंग, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, क्या है मेरी जिंदगी का मकसद। ये सवाल का जवाब जानना है तो मौत के बाद की जिंदगी में ही ये सवाल का जवाब मिलेगा कि ये दुनिया की जिंदगी कोई बेमकसद नहीं है, कोई विदाउट रीजन नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं, कोई अगर आपके दरवाजे पर खटखटाए, आप दरवाजा खोलते हो और वो कहे कि मैंने ऐसे ही खटखटाया, ऐसे ही नॉक किया, ऐसे ही घंटी बजाई, नो रीजन, तो आप क्या कहेंगे, उसको पागल समझेंगे या फिर डांट के भगा देंगे? जाहिर सी बात है। अब एक सिंगल चीज के अंदर लोग जब ये समझते हैं तो आप बताओ कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे इंसान, इतने सारे फिनोमेना बगैर मकसद के हो गए, तो क्या ये फूलिश, पागल जैसी चीज नहीं लग रही? लेकिन ऐसा है नहीं। जब ये यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल और इतना बेहतरीन तौर पर क्रिएट किया गया, ये बगैर मकसद नहीं बना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह सौद में सूरह नंबर 38 आयत नंबर 27, वमा खलकन समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिल, हमने आसमानों को, जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इन्हें ऐसे ही नहीं बनाया, विदाउट रीजन नहीं बनाया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीन कफरू, ये तो वो लोगों का गुमान है जो इनकार करते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीन कफरू मिनन नार, तो बदबख्ती है इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की आग की वजह से। तो अल्लाह ने कहा कि ये सब ऐसे ही अल्लाह ने बगैर मकसद नहीं बनाया, ये पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर जो सिंक्रनी है, इसके अंदर मकसद है। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम सब को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, तो हम देखते हैं कि कई बार जिंदगी में उरूज, जवाल, उतार चढ़ाव, ये तो लगे हुए हैं। अगर ये नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन अप्स एंड डाउन्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो सुइसाइड कर बैठते हैं, कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी में जब अप्स मिलते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ हमारा हो गया। काश कि उनको पता होता कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक इम्तिहान है, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये जिंदगी का मकसद जानना एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जी रहे हो, भाग दौड़ चल रही है, काम के लिए जाते हो, सर्विस के लिए जाते हो, बिजनेस के लिए जाते हो, खाना पीना करते हो, सब कुछ करते हो, होते होते एक दिन मर जाएंगे।
तो हम में और वो सब जानवरों में क्या फर्क है? अगर हमें पता नहीं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाई आर वी लिविंग, क्या हमारी जिंदगी बेमकसद है? तो नहीं, हमारी जिंदगी में मकसद है और वो मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह ज़ारियात में सूरह 51 आयत नंबर 56, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है। हम सब बने हैं सिर्फ उसकी इबादत करने, मतलब हमारी जिंदगी का मकसद है हमें अच्छा करना है उसके लिए, सारे अच्छे काम करने हैं, सारी इबादतें करनी है। हर वो चीज जो एक इंसान अच्छी करता है वो सब के सब चीज इबादत है। वो किसके लिए है? ऊपर वाले के लिए है। ये जिंदगी का मकसद है कि हम क्यों बने हैं। और कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह मुल्क में सूरह 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत बनाई और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है। ये एक एग्जाम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे शेर दूर से आ रहा है और कोई आंखें बंद करके बैठ जाए तो उससे शेर तो गायब नहीं हो जाता जी। हकीकतों से आंखें बंद करने से हकीकत थोड़ी बदल जाती है जी। क्या हम ये गुमान करेंगे कि यूनिवर्स का बनाने वाला ऐसे नाइंसाफी रहने देगा? क्या हम ये गुमान करेंगे कि अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा नहीं मिलेगी? क्या हम ये समझते हैं कि वो गाफिल है? अल्लाह ताला ने कहा कि वला तहसबनल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, ये मत सोचना कि अल्लाह गाफिल है जो जालिम करते हैं, उनके जुल्म से वो गाफिल है। ये मत सोचना, उसे पता है ये चीज का रिजल्ट आने ही वाला है, क्योंकि वो हर कमी से पाक है। और नाइंसाफी एक बहुत बड़ा जुल्म है, वो इंसानों पर जुल्म नहीं करेगा, हर इंसान को उसकी अच्छाई का अच्छा बदला मिलेगा, बस ये एग्जाम की बुराई की सजा मिलेगी। जी हाँ, लेकिन जैसा लोग और तरह तरह के सवाल करते हैं और अपने रीजंस रखते हैं जिंदगी को लेकर के, उन सारे रीजंस और उन सारे सवाल पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि आज के एपिसोड का वक्त हमें इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस एपिसोड को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले एपिसोड में इसकी दूसरी किस्त लेकर हम जरूर हाजिर होंगे आपके लिए, देखना ना भूलें। फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।